हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे दोबारा। तो भाई जैसे कि आपको बताया कि कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ये जो सनरूफ है हमारी है पैनोरामिक सनरूफ, इसके अंदर यदि किसी का हाथ आ जाए या क्या आ जाए वो कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी। तो बेसिकली उसे बोलते हैं एंटी पिंच फीचर। तो हम आज इस पैनोरामिक सनरूफ के अंदर एंटी पिंच फंक्शन देखेंगे कि किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से काम नहीं करता। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को। अभी मैंने जैसे आपने देख लो कि इसका जो ये फ्लैप है मैंने खोला हुआ है, कवर खोला हुआ है, सनशेड खोला हुआ है मैंने। अभी मैं अपनी गाड़ी को खोलता हूँ। एक बटन आप दबाओगे तेज की तो आपकी पूरी चली जाएगी। पीछे जा रही है, थोड़ी स्पीड इसकी स्लो है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। और अभी मैं क्या करूँगा, इसमें अपना हाथ डाल के चेक करूँगा कि ये जा वापस जाती है नहीं जाती। तो मैंने अब इसे तुरंत दबा दिया, अभी ये बंद होने लग गई है। अब मैं अपने इसमें हाथ डाल देता हूँ। मैंने हाथ डाला, ये देखो वापस चली गई है। ये देख लो आप, इस हिसाब से इसका एंटी पिंच फंक्शन काम करता है। मैं दोबारा इसे बंद करूंगा, दोबारा हाथ डालूंगा। ये देखो दोबारा पीछे चली गई है। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो इस हिसाब से इसका एंटी पिंच फंक्शन जो है ये काम करता है। और आप इसको दोबारा दबा दोगे तो ये फ्लैप भी आपको पीछे चले जाएगा, ये पीछे चला गया आपका पूरा का पूरा। अब आपको पूरे एक बटन दबाओगे तो अभी दोनों चीजें आपकी वापस आ रही है। ये बंद होएगा तो ऑटोमेटिकली ये फिर जैसे बंद होगा ये फ्लैप आपको वापस आ जाएगा ऊपर। ये देखिए आप, ये वापस आ गया। तो भाई ये तो हो गया सनरूफ का एंटी पिंच फंक्शन कैसे काम करता है। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आपको बताया कि इसकी जो साइड विंडो है वो ऑटोमेटिक अप एंड डाउन है। वैसे के लिए मैं आपको बता दूं कि जितनी भी गाड़ी होती है उसमें ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होता है, उसके अंदर ये फंक्शन ऑलरेडी आता है कंपनी की तरफ से, जिसके अंदर आपका हाथ जो स्टक नहीं होगा, ऑटोमेटिक विंडो ऑफ की रोल हो जाएगी। सेम ये आपके सनरूफ में एप्लीकेबल होता है और ऐसे इसमें एप्लीकेबल होता है। जैसे मैं इसमें बटन दबाऊंगा ये पूरा नीचे चला गया, अब उसे बटन दबाऊंगा ये ऊपर आ जाएगा। जैसे बस मैं हाथ डालूंगा ये वापस चला गया, ये आप देख सकते हो। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, मैंने ये बंद करा, मैंने ये दोबारा चालू करा और मैंने ये लगाया, ये वापस चला गया नीचे। तो भाई ये फंक्शन है एंटी पंच का इस क्रेटा के एसएक्स मॉडल के अंदर, जिसमें ऑटोमेटिक विंडो आपकी अप एंड डाउन आती है, बेसिकली वन टच अप एंड डाउन होती है ये। तो इसके अंदर ये होता है कि यदि आपको कोई भी चीज ऑफसेट करती है उसे तो वापस वो रोल डाउन हो जाती है। तो सेम फीचर ये आपका सनरूफ पे भी एप्लीकेबल होता है, सेम ये फीचर है इसकी जो साइड व्यू साइड मिरर की जो विंडो है, साइड विंडो है जो ड्राइवर साइड की, उस पर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि दोनों की दोनों ही ये वन टच अप एंड डाउन है इसके अंदर। तो गाइस ये थी वीडियो, इसके अंदर कई लोग पूछते थे, बट ये जो है एंटी पिंच जो सॉरी ये जो वन टच अप एंड डाउन जो फीचर है ये सिर्फ लगता है मुझे क्रेटा के एसिक्स मॉडल से चालू होता है, इसलिए सिर्फ इसी में ही एप्लीकेबल है ये फीचर आपके। तो गाइस वीडियो कैसी लगी वीडियो पे कमेंट कर देना, वीडियो कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आती रहती है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।